AS01 आसाम से कार आई है। सही सुना दोस्तों, आसाम से आना आसान नहीं था। आसाम से क्यों आई है? ये बेस मॉडल है टाटा नेक्सॉन का, पूरी गेज़ा मॉडल बनने आई है और पूरी गेज़ा मॉडल बन के जा रही है। हमारी भी इतनी कार्स हमने अपग्रेड की है, ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर की कार है। ये कार जो गेज़ा मॉडल मैंने बनाई है, मुझे अल्टीमेट काम करना ही था इसके अंदर। सबसे पहले ORVM मिरर्स मुझे जेन्युइन लगाने थे, मुझे पावर विंडोज जेन्युइन लगानी थी, सेंट्रल लॉकिंग जेन्युइन लगानी थी और दोस्तों ये शार्क फिन एंटीना भी जेन्युइन है टाटा का, मैं वो भी आपको बताऊंगा। ORVM मिरर्स कोई बड़ी बात नहीं थी लगाना, लगा सकते थे, लेकिन मुझे परफेक्शन, जिसके लिए हम जाने जाते हैं, परफेक्शन कैसे, मुझे ORVM लगाना था, ओरिजिनल स्विचेस में लगाना था, मुझे एक वायर भी टेम्पर्ड नहीं करनी थी और ओरिजिनल वायरिंग में लगाना था। दोस्तों ORVM आप चेकआउट कर सकते हैं, ये ओरिजिनल टाटा के ही सॉकेट हैं कपलर, ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, आप चेकआउट कर सकते हैं, सॉकेट टू सॉकेट है। ये टाटा जेन्युइन का स्विच है दोस्तों, ये कोई आफ्टर मार्केट स्विच, आफ्टर मार्केट रिले, आफ्टर मार्केट कुछ भी नहीं है। टाटा जेन्युइन अगर इतना लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कवर किया है तो अल्टीमेट जॉब करके देना था, परफेक्ट मुझे करके देना था। आप देख सकते हैं ये टाटा जेन्युइन का प्रॉपरली शेस के साथ है, इसकी वायरिंग भी आप चेकआउट कर सकते हैं, एक भी वायर टेम्पर्ड नहीं है, ना स्विच की ना मिरर की। ORVM मिरर्स तो हो गया, पावर विंडो, ये कार में दो ही पावर विंडो लग के आते हैं, रियर में वाइंडर्स लग के आते हैं, हमने रियर के वाइंडर्स इंस्टॉल किए हैं, मोटर इंस्टॉल किया है, स्विचेस भी है, इसकी भी ओरिजिनल टाटा जेन्युइन की वायरिंग में इंस्टॉल किया है, आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, एक वायर भी कहां से भी टेम्पर्ड नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग भी जेन्युइन लगा है। लेकिन अब आते हैं मिरर में, आप चेकआउट कर सकते हैं, सबसे पहली क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, वन टच है अभी राइट, इसकी मूवमेंट आप मिरर लेंस की आप चेकआउट कर सकते हैं, परफेक्टली है। अभी हम करेंगे लेफ्ट, उसकी भी परफेक्ट है, मैं वो भी आप लोगों को बता दूंगा। दोस्तों परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, परफेक्ट मुझे काम करना ही था, शार्क फिन एंटीना, ORVM, मुझे सेंट्रल लॉकिंग भी परफेक्टली पूरी करने की थी और रियर के आप पावर विंडो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, हमने फ्रंट के जो फोर स्विचेस हैं, रियर के स्विचेस हैं, एवरीथिंग वी हैव इंस्टॉल इन दिस कार, पीछे वही वाइंडर मोटर लग के आती है प्रॉपरली, हमने उसके बुश भी इंस्टॉल किए हुए हैं टाटा से लेके। अब आते हैं क्या चीज लगी हुई थी, ये रेगुलर जो है यही मिरर लगा हुआ था मैन्युअली जो आता है, ये फ्रंट के जैसे मैंने आप लोगों को बताए थे, ये देखिए यही चीज लग के आती है, इसे पूरा पैनल रिप्लेस करके हमने फोर पावर विंडो इंस्टॉल की हुई है, प्लस स्टीयरिंग ऑडियो कंट्रोल वगैरह, मिरर के जो सैचेस भी हैं वो भी परफेक्टली स्विच के साथ हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। ये पीछे ये वाइंडर है, ये मैनुअल लग के आता है। अब जो हमने इंस्टॉल किया हुआ है, ये टाटा जेन्युइन की वाइंडर्स आती है उसके साथ, उसकी मोटर्स आती है, सब स्विचेस उसके साथ आपको आते हैं, सब पैनलिंग आती है, टाटा जेन्युइन की पूरी वायरिंग लूम आती है, मुझे आफ्टर मार्केट कुछ इंस्टॉल करना ही नहीं था दोस्तों। सेंट्रल लॉकिंग भी टाटा जेन्युइन का जो 3 साल की वारंटी के साथ आता है, हमने वो इंस्टॉल किया हुआ है। जो मेन सबसे बड़ा था, मुझे जो टाटा की वायरिंग, आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों, ये प्रॉपरली हमने टाटा जेन्युइन की ही वायरिंग इंस्टॉल की है, आफ्टर मार्केट कर सकते थे, कुछ पैसे बचा के कोई मतलब नहीं है, हम परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं, मेरे को वो ही काम करके देना था, इतनी दूर ट्रैवल करके अगर कस्टमर इतने टाइम के बाद मुझे फोन करे, साल के बाद, 2 साल के बाद, तो मुझे पूछने चाहिए कैसे हो, कंप्लेंट के लिए नहीं करना चाहिए। अलॉय व्हील ये कार के अंदर इंस्टॉल नहीं, रिम लग के आते हैं, व्हील कैप वगैरह मुझे लगाना ही नहीं था, टाटा जेन्युइन के अलॉय व्हील इंस्टॉल किए हुए हैं, मच मोर एसेसरीज, अल्टीमेट जॉब हमने ये कार के अंदर किया है। रेडी होने के बाद मैं जरूर आप लोगों से मिलूंगा, लेकिन मेन जो था ORVM मिरर्स, पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग टाटा जेन्युइन की,
परफेक्टली हमने इंस्टॉल की हुई है, नॉट इवन अ सिंगल वायर मैंने टेम्पर की है, एंड ओरिजिनल जेन्युइन स्विचेस के साथ है, रिमोट भी जो है परफेक्टली पूरा वर्क होता है, मैं वो भी आप लोगों को बताऊंगा। अब चेकआउट कर सकते हैं, टाटा जेन्युइन का है, लेकिन ये फ्लिप की आफ्टर मार्केट हमने इंस्टॉल की हुई है, लेकिन जो की है वो ओरिजिनल टाटा जेन्युइन की ही हमने इंस्टॉल की हुई है दोस्तों। इसके अंदर रेडी होने के बाद मिलते हैं टाटा एक्सी टू टॉप मॉडल अंदर से, जो हमने पावर विंडो इंस्टॉल की हुई है, आप चेकआउट कर सकते हैं, फ्रंट रियर राइट रियर लेफ्ट और ये फ्रंट लेफ्ट, ये भी परफेक्टली पूरे वर्क हो रहे हैं, ये फ्रंट से है। अब ये हम रियर से चेक करेंगे दोस्तों, एवरीथिंग परफेक्ट वर्क हो रहा है। और एक बोलूंगा दोस्तों, अगर ORVM मिरर्स आप लोगों को लगाना है तो मैं तो सजेस्ट करूंगा जेन्युइन मिरर के स्विचेस ही आप इंस्टॉल कीजिए, या आप चेकआउट कर सकते हैं, वन टच है, क्लोज ओपन, ये है राइट के ORVM, आप परफेक्टली चेक कर सकते हैं, परफेक्टली एडजस्ट हो रहे हैं। अब आएंगे लेफ्ट में, लेफ्ट के भी आप चेकआउट कर सकते हैं, ये परफेक्टली पूरे मेरे मिरर्स वर्क हो रहे हैं, क्योंकि ये परफेक्ट है, मतलब परफेक्ट है दोस्तों। और ये हो गया क्लोज एंड ये हो गया ओपन। अब रही बात, सेंट्रल लॉकिंग हो गया, ORVM आप चेकआउट कर सकते हैं, पावर विंडो हो गया है। आउटर प्रोफाइल में अलॉय व्हील्स हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हैं, रूफ रेल्स इंस्टॉल की है, डोर वाइजर इंस्टॉल किया है, जेन्युइन शार्क फिन एंटीना इंस्टॉल किया, जितना हो सका आफ्टर मार्केट मैंने लगाने की कोशिश की नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस इनका बहुत बड़ा है। ओरिजिनल DRL गाड़ी के साथ आई है, कोई आफ्टर मार्केट DRLs भी मैंने इंस्टॉल नहीं की है। यस, ओनली प्रोजेक्टर हमने प्रो 7 के ये कार के अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। इंटीरियर्स में जो सीट कवर्स हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है, द सुप्रीमो एडिशन सीट कवर टॉप गियर का इंस्टॉल किया, जस्ट सी द फिटमेंट एंड द फिनिशिंग ऑफ द सीट कवर। चारों डोर्स की जो हमने लेदर पैडिंग वर्क किया है, एक एक हमारी फिटमेंट फिनिशिंग एजिंग आप चेकआउट कर सकते हैं, चारों भी डोर्स में हमने लेदर पैडिंग की है। टॉप गियर की मैट्स हमने इंस्टॉल की हुई है, लैमिनेशन किया हुआ है, स्टेयरिंग का लेदर रैप किया हुआ है, स्टेयरिंग ऑडियो कंट्रोल हमने इंस्टॉल किया है मैट फिनिश का, क्योंकि कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, मुझे ग्लॉसी नहीं चाहिए। 10.1 इंच का प्लेयर भी हमने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है ब्लॉपंग का, विद द अल्ट्रा HD कैमरे के साथ दोस्तों। एक एक हमारी कैमरे की क्लियरिटी भी चेकआउट कर सकते हैं, 10.1 इंच का है पूरा प्लेयर, 9 इंचेस का मैंने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है। चारों भी डोर्स में हमने डैम्पिंग की है और प्लस JBL के कंपोनेंट्स मैंने इंस्टॉल किए हैं। ये है गेज़ा मॉडल विद द जेन्युइन एक्सेसरीज, विद द परफेक्शन के साथ जो मैंने ये कार के अंदर इंस्टॉल किया है। AS01 ओनर ऑफ द कार मिस्टर विश्वजीत जी फ्रॉम आसाम गुवाहाटी। सबसे पहले मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा कि ये मौका हमें दिया है गेज़ा मॉडल करने का। वी आर द मास्टर, अगर मैं जो भी काम करूँगा मैं परफेक्शन के साथ करूँगा, वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। सर, कैसा रहा एक्सपीरियंस और द वे ऑफ वर्किंग जिस हिसाब से हमने की हुई है, आप सामने ही खड़े थे, नॉट इवन कोई भी चीज़ की वायर टेम्पर्ड की या कैसा किया, क्योंकि इतनी दूर से आप ट्रैवल करके आप परफेक्शन के लिए आए थे और मेरा काम करके परफेक्शन के साथ ही देना था, कैसा रहा एक्सपीरियंस सर? एक्चुअली मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। पहले जो मेरा एक्सपेक्टेशन था वो मेरा पूरा 100% मतलब 101% फुलफिल हुआ है। मैं जैसा गाड़ी चाहता था सर ने ऐसा ही गाड़ी बना के दिया है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, गाड़ी में मेहनत बहुत लगी है, लोग 10-10 बंदे एक साथ काम कर रहे हैं, कम से कम हम लोग 12 बजे से लगे हुए हैं, अभी 10 बज गए, कम से कम 8-9 घंटा हो गया हम लोग कंटिन्यू इधर है, मैं भी हूँ, सभी मेरे सामने ही हुआ है काम। बहुत अच्छा काम किया इन लोगों ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं जो एक्सपेक्टेशन करके लेके आया था सेम वैसा ही मुझे कार मिला। थैंक यू सो मच। ये है हमारा नेक्सॉन गेज़ा मॉडल, दिस इज द गेज़ा मॉडल जो हमने टैग दिया हुआ है दोस्तों। अब ये हो गया क्रेटा, सेल्टोस, क्रिस्टा, XUV में भी आपने दिया, अब आएगा ब्रीजा का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आप चेकआउट करना, मैं बताऊंगा गेज़ा मॉडल किस तरीके से होता है LXi टू ZXi+। ये नहीं कि खाली मिरर लगा दिया, स्टेयरिंग
जो लेवल की आप लोगों को मैं प्रेजेंट करूंगा, यू विल लव इट, वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग अस। जिस हिसाब से हमने कार अपग्रेड की है आप लोगों के सामने है। ड्राइव सेफली एंड थैंक यू फ्रेंड्स वंस।